इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं वित्त मंत्रालय, एमओएस फाइनेंस है। मोदी 3.0 का बजट आज आने वाला है, इसको लेकर के हलचले बहुत तेज हो चुकी हैं। देखिए पंकज चौधरी जो कि वहां पर पहुंचे थे, तो हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि पंकज चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि आज बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बजट राष्ट्रहित में आता है उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। बहुत ज्यादा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री का जो विजन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के अनुरूप ये बजट होगा। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था, लेकिन जब वो पहुंचे हैं मिनिस्ट्री, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी को लेकर के अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है, सिर्फ 3.5 घंटे का वक्त, और उसके बाद खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, किस वर्ग को क्या मिलेगा सैलरी, जिसकी उम्मीदें इस वक्त बहुत ज्यादा है इनकम टैक्स को लेकर के। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं, जिन 4 जातियों का नाम गैंग का नाम लिया गया था उनके लिए क्या निकल करके सामने आता है, सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। लेकिन अब बस इंतजार कुछ घंटों का और उसके बाद देश के सामने उसका बजट होगा। ये तस्वीरें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की जब वो यहां पर पहुंचे हैं, मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आखिरकार ये बजट कैसा होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो विजन है उसी के अनुरूप ये बजट होगा। लेकिन आज जब पिटारा खुलता है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करती हैं, तो आखिरकार किन बातों का जिक्र होगा उसमें, किसको मिलेगी आशा और किसे मिलेगी निराशा, और कौन से वर्ग के लिए खुलेगा पिटारा, इन तमाम खबरों पर भारत 24 पर महा कवरेज आप देखेंगे, क्योंकि उम्मीदें इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है आम जनमानस की। बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्प है वो देखना कि आखिरकार मिडिल क्लास के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए आज क्या निकल करके सामने आता है। वैश्विक मंदी के दौर में जो भारत का विजन है, विकसित भारत का, जिस संकल्प को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, उस संकल्प की सिद्धि में ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। बस थोड़ा इंतजार और उससे पहले महा कवरेज, और उसके बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण को भी आपको बहुत सरल शब्दों में बताएंगे।